नमस्कार, समाधान इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर से। उत्तराखंड के चामोली जिले के भला गांव सूफी, जहां के लोग आज भी पथरीले रास्तों से गुजरने को विवश हैं। यहां पर सरकार की लापरवाही साफ साफ दिखाई पड़ रही है। लोगों का कहना है कि वे कई बार सरकार से इस बारे में याचिका दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। लोग आज भी मोटर मार्ग का सपना देख रहे हैं तथा कई बार याचिका दर्ज करवा चुके हैं। यहाँ के लोग पथरीले रास्तों से जाकर अपना और अपना परिवार का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। वे इस गांव से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इन पथरीले रास्तों से गुजरते हैं, क्योंकि यह गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पर प्रशासन कभी भी किसी प्रकार का ध्यान ना देकर यहाँ के लोगों को के जीवन को खतरे में डाल रही है। यहाँ के लोग अपने इस विषय में विवश होकर अपना कर जन्म तथा कर्म भूमि को छोड़ने पर विवश हो उठे हैं तथा आज भी वे मोटर मार्ग का आशा कर रहे हैं। जोशीमठ से नवीन भंडारी की खास। उत्तराखंड के चमोली जिले के सीमांत क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत भला गांव सुकी आज भी पहाड़ों के बीच व शीतकाल ग्रीष्मकाल बारह माह ग्रामीण गांव में निवास करते हैं। पैदल व पथरीली चट्टानों से ग्रामीण अपने गांव जाते हैं। मोटर मार्ग 1992 में स्वीकृत हुई थी, जब केदार सिंह फोनिया जी विधायक रहे थे। स्वीकृत होने के बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा चार बार मोटर मार्ग की सर्वे होने के बाद 2015-2016 से लगातार ज्ञापन देने के बाद भी आज तक ग्रामीण दफ्तरों का चक्कर काट रहे। कई बार शासन प्रशासन को लिखे तो मौखिक रूप से ज्ञापन देने और मुख्यमंत्री को पत्र देने के बावजूद भी आज भी जस की तस बनी हुई है। व्यवस्था को सुधारने के लिए ग्राम प्रधान लक्ष्मण सिंह बुटोला द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1905 में शिकायत दर्ज करने के बाद भी बताया जाता है कि आपकी फाइल अंडर एग्जाम नोडल में चल रहा है। आज भी ग्रामीण मोटर मार्ग की राह देख रहे हैं और 5 किलोमीटर पैदल चट्टानों के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ी रास्तों से गुजरने के लिए मजबूर हैं। जहां एक तरफ सरकार आज ग्राम सड़क योजना की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ सड़क के लोग आज भी मोटर मार्ग पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। सीमांत बॉर्डर गांव में ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए यहां के लोग काफी परेशान हैं। गांव में कोई अचानक बीमार पड़ जाता है तो उन्हें पालकी और खच्चर के सहारे मेन मोटर मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है। कई लोगों की जान तो समय पे हॉस्पिटल न पहुंचने से रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। गांव में ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं, ना ही दूर संचार और ना ही सड़क। इस कारण काफी लोग आज भी पहाड़ों से पलायन होने के लिए मजबूर हैं, अपने जन्मभूमि छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं और पलायन विभाग मात्र आंकड़े गिन रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी 3 साल के रिपोर्ट कार्ड दिखाने की बात कर रहे हैं, परंतु हम लोग आज भी पिछड़े हुए हैं। आखिर हम जाएं तो जाएं कहां, जब कोई हमारी सुनने वाला ही नहीं। पहाड़ रो रहा है पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो आज सरकार सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति सुधारने का प्रयत्न करती। चमोली जिले के लोग हैं, हम यहाँ बहुत परेशानी हो गई है। हम सूखी पल गो वाले को रोड नहीं है, वहाँ ऊपर से चट्टानी हो रही है। हम एक मन बोझल आ रही है सुरई ठोटा से, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। हमारा नाती नातीड़ा भूख से मर गई है। हम बूढ़े आदमी कैसे को लाएगा वहाँ से। हम उस साल से बोल रही है सरकार हमको रोड दो, हमारे कहने मानते नहीं है। तुम लोग क्यों नहीं मान रही है, हम तो मर गए यहाँ पर। हमको परेशानी हो गई है सरकार, अब बोलने में क्या है, इतना कैसे बोलो तुमको, तुम हमारे से। और ये का बात हम लोग सोचना चाहिए कि भाई उत्तराखंड में जो विकास चलो कि यार ये दूर दराज गाँव में विकास होना चाहिए। आज भी हमारा क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य दूर संचार का बहुत अभाव है और लगातार हम लोग अभी हम प्रधान बने, मगर प्रधान बनना बाद भी हम देखना चाहें कि भाई जो हमारा जो काम चलो या मनरेगा हो या बीता हो कोई भी काम चलो तो ये हमारे अस ज्यादा जो हमारा काम जो वो तो ढुलाई में हुए जान दू कि घोड़ा खच्चर जो हमारा चे अस ज्यादा पैसा तय तो देना पड़ दू, क्योंकि हमारा गाँव में आज भी रोड ना होना खातिर हम लोग बहुत परेशान छे। तय के बाद भी अब देखना होगा कि यार
कि चमोली जिला भीतर भी कई अन्य गाँव छे जन आज भी पौड़ी गढ़वाल में देखा या तुम टिहरी गढ़वाल में देख गाँव गाँव तक रोड चल गए, परंतु आज भी जो हमारे जो सूखी भलगाँव छे दूरस्थ गाँव छन माँ आज हम सीमांत लोग छन मगर सीमांत घाटी माँ आज विकास को कोई मुख्य स्रोत से नहीं जोड़ी सके हम लोग। और मैं सरकार से ये गुहार लगाना चाहूँ कि भाई यार उत्तराखंड में भी कुछ यान फैसला होना चाहिए कि जय माँ की हम लोगों भी पूरा सहयोग मिलना चाहिए यार। उत्तराखंड का हम भी एक सीमांत इलाका का लोग छन कि यार ये हर साल बर्फबारी होती है या कोई भी परेशानी होती हम लोग या कोई पाँच पाँच चार चार किलोमीटर पैदल जाते मेन जो हाईवे छे हम तक पहुँच सकता। और कभी भी हमारे गांव में या क्षेत्र में कोई यानी घटना हुए जान दू कि जब वह कोई बेचार मरीज बीमार हुए जान या प्रेग्नेंट कोई हमारी माता बहन प्रेग्नेंट हुए जाना तो ये हमारा दुखद बात छे कि भाई उत्तराखंड में कि हम लोग पलखी और पलखी में कब तक यंत्र सारा लिए डंडिया पलखी में कब तक लेके जा सकता। और मैं सरकार से गुहार लगाना चाहूँ भाई कि उत्तराखंड बनिया हमारा आज 20 साल हो गए मगर गैरसैंण भी आज मुख्यमंत्री जो घोषणा करी कि भाई गैरसैंण राजधानी ग्रीष्मकाल राजधानी बने ली मैं हमें गुहार लगाना चाहना भाई सीमांत क्षेत्र को डेवलपमेंट भी होनी चाहिए जैमा कि हमारा उत्तराखंड का लोग पलायन होने से बच सको क्योंकि आज भी मैं देखना चाहूँ कि भाई हर गाँव में कहीं न कहीं 5-7 परिवार यान छे कि जो हर साल में पलायन करना होला क्योंकि शिक्षा को अभाव छी सड़क को अभाव छी और स्वास्थ्य को अभाव छी दूरसंचार का अभाव छी एक खातिर मैं सरकार से ये गुहार लगाना चाहूँ कि हमारा गांव में भी या अन्य गांव में भी सड़क होना जरूरी छी जैसे कि हम अपना विकास कार्य में तेजी से आगे बढ़ सको। और मैं ज़्यादा नहीं बोल मैं लक्ष्मण सिंह बटोला ग्राम प्रधान सूखी बलगांव लाता तुलमा और फाकती लौंग ये गांव सीमांत गांव के अंदर आते हैं जो कि आज भी इन गांव में सड़कें नहीं पहुंच पाई है। काफ़ी समय से सभी ग्रामवासियां समय समय पर शासन प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन आज भी शासन उन दूर सीमांत क्षेत्र के गांवों को आज भी ध्यान में नहीं रखता है और काफ़ी समय से ये रोड की समस्या गांव वालों को पड़ी है और गांव वालों का सोच है कि जल्द से जल्द सभी सीमांत गांव में जो कि रोड पहुंचे और सूखी भलगांव ग्राम सभा में 1992 में जो कि रोड की तोलमा वार्ड से और ग्राम सूखी और तोलमा और सूखी भलगांव में सड़क न आने से हमारे ग्रामवासी बहुत परेशान हो चुके हैं क्योंकि हमारे यहाँ 5 किलोमीटर दूरी पर पैदल चलना पड़ता है और हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग अपने वो राशन पानी बोझा बो के घर लाते हैं और उसमें भी बहुत क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर के रास्ता चलना पड़ता है इससे भी हमारे ग्रामवासी बहुत परेशान हो चुके हैं। और